हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर गर्मियों में भी जारी है। हाल ही के दिनों में बारालाचा दर्रे में 10 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। मनाली से लेह के बीच मुसाफिरों को बारालाचा दर्रे में घंटों ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ा। टूरिस्ट सीजन के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी जाम की स्थिति बनी हुई है। मनाली लेह मार्ग को डेढ़ सप्ताह पहले बहाल तो कर दिया गया, लेकिन वाहनों को पास करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। केलांग से लेकर भरतपुर सिटी तक जगह जगह बर्फ की मोटी परत बनी हुई है। रास्ते से बर्फ हटा देने के बाद भी गाड़ियों को पास करने के लिए जगह नहीं बनाई गई। इसकी वजह से करीब 3 किलोमीटर तक सड़क सिंगल वे हो गई है। वहीं गुलाबा में घायल पर्यटकों को मनाली तक 25 किलोमीटर का सफ़र तय करने में 3 घंटे का समय लग गया। इससे पहले भी एक महिला पर्यटक को सांस लेने में दिक्कत की वजह से हॉस्पिटल ले जाने में 6 घंटे का वक्त लगा, जिसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि मनाली रोहतांग रोड पर लगे जाम के कारण उसे 6 घंटे बाद मनाली पहुंचाया जा सका। बारालाचा दर्रे में घंटों ट्रैफिक जाम रहा। रास्ता खुलते ही पर्यटकों ने लेह का रुख कर लिया। वाहनों के लिए अब भी लेह मार्ग सुरक्षित नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा वाहनों, पतली सड़क होने से लगातार जाम लगा हुआ है। भुंतर, ढोबी, गुलाबा, बैरियर सहित मनाली में जाम के चलते वाहनों की लंबी कतारें हैं। ऐसे में स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। पिछले 1 माह से ये समस्या बनी हुई है। फिलहाल इससे छुटकारे की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है। असबाब अली, गो न्यूज़।